नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, ये क्यों पड़ते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाएं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, जुकाम में कान क्यों जाम हो जाते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल किए गए तेल में दोबारा खाना क्यों नहीं पकाना चाहिए। आरती जयपुर की रहने वाली हैं, 28 साल की हैं। पिछले ही साल उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अब डिलीवरी के बाद उनके पेट, कूल्हों और जांघों पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए। स्ट्रेच मार्क्स शरीर पर लकीरों की तरह दिखते हैं। आरती बताती हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों से सुनकर कई क्रीम्स का इस्तेमाल भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे बता दें कि स्ट्रेच मार्क्स होना बहुत ही आम बात है, और ऐसा सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं या फिर उसके बाद में नहीं, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है, खासतौर पर जब आप वेट गेन या फिर लूज करते हैं। पर आरती अपने स्ट्रेच मार्क्स से निजात पाना चाहती हैं, वो सहज महसूस नहीं करती। आरती चाहती हैं कि हम डॉक्टर से पूछकर इनको सही इलाज बताएं। तो चलिए स्ट्रेच मार्क्स के बारे में थोड़ा तफसील से जानते हैं, साथ ही पता करते हैं कि क्यों पड़ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स हमारी स्किन में होने वाले एक तरह से स्कार्स होते हैं, जो आपको दिखते हैं एक सफ़ेद कलर की लाइन, जो टेढ़ी मेढ़ी तिरछी विरछी लाइंस होती हैं, वो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। और जैसे कि आप जैसे वर्ड है स्ट्रेच मार्क, स्किन के एक्सेस स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। यानी कि जब स्किन स्ट्रेच होती है तो सिर्फ ऊपर की चमड़ी स्ट्रेच नहीं होती है, उसके नीचे जो कॉलेजन और इलास्टिक बंडल्स हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं, और एक पॉइंट पे आके अगर ओवर स्ट्रेच हो तो वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन के अंदर एक स्कार बन जाता है, उसे हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। एंड बिकॉज इसका डायरेक्शन बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है या जहाँ पे वेट ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए ये थोड़े से तिरछे होते हैं, या जैसे एक नदी के या एक पेड़ की शाखाओं की तरह ये स्किन से सब तरफ फैलते हैं। तो ऊपर से दिखने वाले वाइट तिरछी मिर्ची लाइनों को हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। स्ट्रेच मार्क्स होने का सबसे कॉमन कारण है प्रेगनेंसी। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बेली, यानी कि ये स्टमक एरिया, हिप्स, ये बहुत ज़्यादा कम टाइम में एक्सेसिवली ग्रो कर जाते हैं, और उससे जैसे मैंने बताया स्किन के कॉलेजन बंडल्स या इलास्टिक बंडल्स टूट जाते हैं, और इसलिए वो स्किन के थ्रू पारदर्शी स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अलावा स्ट्रेच मार्क्स जब प्यूबर्टी में किसी की हाइट बढ़ती है, कुछ बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, उन्हें भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। या आप जैसे वेट लॉस कर रहे हैं और आप सडनली एक बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं तो सडनली स्किन का सपोर्ट सिस्टम चला जाता है फैट कम होने की वजह से, और उससे भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण है स्ट्रेच मार्क्स के, जैसे आप बहुत ज़्यादा जिम अगर एक्सरसाइज करते हैं और आप हैवी वेट्स सडनली लेते हैं, जो आपकी मसल्स अभी यूज टू नहीं है इतने वेट को, तो उससे भी अचानक आपके इलास्टिक फाइबर्स टियर हो जाते हैं और उससे भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। लेकिन एक और कारण है स्ट्रेच मार्क्स होने का, वो है स्टीरॉयड क्रीम यूज़ करना। सो कभी कभी आप अननोइंगली शायद कुछ क्रीम्स यूज़ करें जो कोई रिएक्शन के लिए, एलर्जी के लिए, या जैसे फेस पे वुमेन यूज़ कर लेती हैं कभी कभी गोरा होने के लिए, तो कोई भी अनलेबल्ड क्रीम उसमें स्टीरॉयड हो सकता है, और उससे ये स्ट्रेच मार्क्स भी उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। या कुछ डिजीजेज हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले जो स्टीरॉइड्स हैं अगर वो एक्सेस बनते हैं तो उससे भी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेच मार्क से बचा जा सकता है, साथ ही क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है। वैसे स्ट्रेच मार्क से बचा नहीं जा सकता है, बिकॉज स्ट्रेच मार्क्स जेनेटिक भी होते हैं। अगर आपकी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम स्ट्रेच मार्क्स हुए थे तो आपको भी पॉसिबिलिटी है कि होंगे, लेकिन कुछ तरीके हैं जो अगर आप अपनाएं तो स्ट्रेच मार्क्स कम हो सकते हैं। जैसे जब आप वेट गेन या वेट लॉस करें तो उसको कंट्रोल करें, सडनली नहीं करें। या अगर आप जिम जा रहे हैं तो उस वक्त आप वेट्स धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से बहुत हैवी वेट्स नहीं लें, ताकि आपके मसल के ऊपर जो इलास्टिक फाइबर्स है वो टियर नहीं हो।
या उसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट हो तो उस वक्त वेट गेन, आप अपने वेट का स्पेशल ख्याल रखना है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। अगर स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो भी नीचे के फाइबर्स थोड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं। और प्रेगनेंसी में वेट गेन आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ऑल्सो एक्सरसाइजेस करने से ये देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें स्ट्रेच मार्क्स कम होते हैं, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। कोई भी अननोन क्रीम अपनी स्किन पर नहीं लगाएं जिसमें स्टीरॉइड्स हो सकते हैं और जिससे स्ट्रेच मार्क्स बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हो, तो अगर ऐसा है तो आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मुझे ये कहना पड़ेगा कि स्ट्रेच मार्क्स 100% क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी होम रेमेडी या क्रीम्स लगाने से या लेजर्स करने से स्ट्रेच मार्क्स टोटली डिसअपियर हो जाएंगे, तो नहीं होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जब स्टार्ट होते हैं तो वो अक्सर लाल रंग के होते हैं, तो थोड़े चौड़े भी होते हैं और रेड होते हैं। धीरे धीरे वो वाइट में टर्न हो जाते हैं। तो जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, कोई भी रेमेडी, तो वो लाल वाले स्ट्रेच मार्क्स पे अच्छा वर्क करती है, बिकॉज तब उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। एक बार स्ट्रेच मार्क्स वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें ट्रीट करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। एज अ होम रेमेडी आप कोई भी ऑयल्स या मॉइस्चराइजर्स अपनी स्किन को लगा के रखिए, स्पेशली जब आप नहाते हैं उसके बाद, बिकॉज तब आपकी स्किन में थोड़ी नमी रहती है तो आपका मॉइस्चराइजर इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है। तो क्या मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाने से स्ट्रेच मार्क्स चले जाएंगे? जाएंगे नहीं, लेकिन काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे। तो स्किन को आप मॉइस्चराइज रखिए, जिसमें होम रेमेडी के तौर पे आप कोई भी ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या सेसमी ऑयल। और अदरवाइज ये आपको बहुत चिपचिपे लग रहे हैं तो आप कोई भी बॉडी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं नहाने के एकदम बाद। उसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क क्रीम्स अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ ये क्रीम्स बहुत महंगी होती हैं और बहुत इफेक्टिव नहीं होती हैं। आप उनके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिए, उसमें यू नो या तो ट्रेटिनॉइन होगा या लेसिथिन या पेप्टाइड्स, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो कुछ हद तक स्किन की पीलिंग भी करते हैं, और जब स्किन पील हो रही होती है तो स्किन के नीचे नया कॉलेजन बनता है। तो ये स्ट्रेच मार्क्स ट्रेटिनॉइन बेस्ड क्रीम यूज़ करने से थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन इन क्रीम्स को काफ़ी लॉन्ग टर्म लगाना पड़ता है। और ट्रेटिनॉइन एक पीलिंग एजेंट है, तो ये शायद आपकी स्किन को ड्राई भी कर देगी। तो जब भी आप कोई भी ट्रेटिनॉइन बेस्ड क्रीम यूज़ करें तो उसके साथ कोई ऑयल या मॉइस्चराइजर डेफिनेटली यूज़ करें। उसके अलावा आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे PRP, फ्रैक्शनल लेजर्स, फ्रैक्शनल अर्बियम, कार्बन डाइऑक्साइड, MNRF, ये सब रीसर्फेसिंग ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम स्किन में छोटे छोटे छेद करते हैं और स्किन एज अ रिस्पॉन्स उसके चारों ओर जो भी इंजरी है वहाँ पे नया कॉलेजन बनता है। सो कॉलेजन रीमॉडलिंग के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस को थोड़ा कम जरूर करते हैं। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें जरूर ट्राई करिएगा, असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जुकाम में नाक तो जाम हो ही जाती है, पर कई बार कान भी जाम हो जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? अब जुकाम से कान का क्या लेना देना? दरअसल आपके कान में एक ट्यूब होता है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये कान के बीच के हिस्से को जोड़ता है गले से। बलगम और बाकी फ्लूइड आपके कान से बहते हुए जाते हैं गले के पिछले हिस्से में, जहां से आप उन्हें निगल जाते हैं। पर कभी कभी ये फ्लूइड्स और बलगम गले से नीचे नहीं उतर पाते, ये कान के बीच में ही फंस जाते हैं। नतीजा आपके कान बंद हो जाते हैं। ऐसा अक्सर कोल्ड, फ्लू या फिर साइनस के दौरान होता है। ऐसे मौके पर आपको और भी लक्षण महसूस होते हैं, जैसे नाक बहना, खांसना, छींकना, गले में दर्द। अब इस ट्यूब का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर फंसे हुए फ्लूइड और बलगम के कारण आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। खासतौर पर बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन आपके कान के बीच में हो सकता है। इससे निपटने के लिए आपको चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे ईयर ड्रॉप या फिर ओवर द काउंटर दवाइयाँ जो बलगम को निकालने में मदद करती हैं। आप 5 से 10 मिनट भाप भी ले सकते हैं। कुछ नहीं तो बाथरूम में गर्म शावर खोल लीजिए, 10 से 15 मिनट वहीं रुकिए। गर्म पानी से निकलने वाली भाप बलगम को निकालने में मदद करेगी, समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। एक गलती हम में से कई लोग करते हैं, डीप फ्राई करने के लिए तेल निकाला, चीजें फ्राई की, फिर उस तेल को बचा कर रख लिया, दोबारा कुछ और डीप फ्राई करना हुआ तो उसी तेल का इस्तेमाल कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ज्यादा तापमान पर पकाए गए तेल में बनता है ट्रांस फैट, यानी एक तरह का फैट जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यह आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत बुरा होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें।
अगली बार नया तेल इस्तेमाल करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।